आदिवासियों में गया था सभापति महोदय, ये आदिवासियों में ज्यादातर ये लोग जीते हुए हैं। सभापति महोदय में सराड़ा पंचायत समिति के गांव में, कबीतीपुरा गांव में गया सभापति महोदय, 70 घर थे उस गांव में, छोटे छोटे नौनियाल बच्चे इकट्ठे हो गए। मैंने जाकर पूछा उन बच्चों से कि आपके स्कूल में कोई सरकारी चीज है क्या? उन्होंने कहा कुछ नहीं है, एक छोटा सामुदायिक भवन बना हुआ था, उस सामुदायिक भवन के दो गेट थे। मैंने कहा इसको स्कूल करने की मांग करेंगे। मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री से मांग करी कि कबीतीपुरा में स्कूल खोलिए, उन्होंने दूसरे दिन आदेश कर दिए। इनके 15 MLA जीत करके आते हैं वहां से, आज भी आदिवासियों के बच्चे भूखे, आज भी आदिवासियों के बच्चे नंगे, आज भी आदिवासियों के, केंद्र की सरकार ने जो बजट पास करा था सभापति महोदय, सिर्फ 30% बजट खर्च हुआ है, 70% बजट लैप्स हो गया। आज भी वहां डिस्पेंसरी नहीं है, आज भी वहां आदमी का वजन 45 किलो है, आज भी वहां महिला सिर्फ 32 किलो 35 किलो की, वहां अभी भी मृत्यु दर बच्चों में बहुत ज्यादा है। सभापति महोदय हमें चिंता इस बात की करनी है, हमें इस बात की चिंता करनी है कि शिक्षा गरीब तक कैसे पहुंचे, शिक्षा दबे कुचले तक कैसे पहुंचे, अच्छा स्वास्थ्य उनको कैसा मिले। जिस तरीके की हुक हकूक की बात हम कर रहे हैं, हम सदनों में आते हैं जनता से बात करके, जनता से राय करके, जनता के विचारों को मान करके, उनको समझा करके सदनों में जीत करके आते हैं। सदनों में आने के बाद जनता की आवाज़ को दबाने का जो काम करते हैं, ये काम जनता के पक्ष का नहीं है। सभापति महोदय, भारत के संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि हम व्यक्ति की गरिमा करेंगे, हर उस व्यक्ति की जो आखिरी पंक्ति में बैठा है, जो हिंदुस्तान की 125 करोड़ जनता में आखिरी आदमी है, हम उसके न्याय की बात करेंगे, हम उसके अधिकार की बात करेंगे, हम उसके कपड़े पर, हम उसके चाल चलन पर, हम उसके चेहरे पर, हम उसके हर मुद्दे पर बहस करने की बजाय हम उसके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करेंगे, हम उसकी शिक्षा की कामना करेंगे, हम उसके दोनों हाथों को रोजगार की बात करेंगे, हम उसके आने वाले भविष्य की बात करेंगे, तब ये राष्ट्र मजबूत होगा। सभापति महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ये बात कर लेने से देश लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा कि कभी ये आए कभी ये आए कभी हम आए, नहीं, हम आए तो सब लोग, लेकिन हमने आकर के जनता के लिए करा क्या, ये इतिहास गवाह होगा। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात मैं आपके बीच लेकर के आऊँगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसान को कमजोर करने का काम करा, जहाँ भी किसान को बीमा देना पड़ जाए बीमा कंपनी वहाँ दादागिरी करती है और केंद्र की सरकार उसकी फाइल को पकड़ती है। आज मेरी भादरा विधानसभा क्षेत्र 150 करोड़ रुपए फसल बीमा के बाकी है, 150 करोड़ रुपए किसानों के खातों में आ गए, लेकिन 150 करोड़ अभी भी बाकी, केंद्र की सरकार ने उनकी फाइल को पकड़ दिया। मैं आपको कहना चाहता हूं सभापति महोदय, जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने संघ और राज्य के संबंधों को खराब करने का प्रयास करा है, संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास करा है, कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास करा है, हमें नए सिरे से सोचना होगा, हमें नए सिरे से बात करना होगा। मैं सभापति महोदय आपका ध्यान इस बात की तरफ इंगित करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो व्यवस्था किसान के लिए जरूरत के रूप में करनी है, गांव-गांव में मंडी हो, गांव-गांव में फूड प्रोसेसिंग की इकाइयां लगे, गांव-गांव में सहकारी समिति मजबूत हो, लेकिन इन तीनों चीजों में केंद्र की सरकार बजट कम कर रही है। मैं राज्य की सरकार से कहना चाहता हूं कि थोड़े दिनों में बजट आएगा, 23 तारीख को मुख्यमंत्री महोदय बजट पेश करेंगे, 23 तारीख को जिस दिन बजट पेश करें उस दिन बजट का ढांचा यह हो कि सरकारी स्कूल मजबूत होने चाहिए, सरकारी कॉलेज मजबूत होने चाहिए, और गांव-गांव में जिस तरीके से कोरोना में 2020 में मंडियां खोली थी, अब की बार फिर रोड मैप लेकर के आए कि गांव-गांव में मंडी खुलेगी और जहां किसान की अन्न पैदा होगा, एक एक दाना केंद्र की सरकार तुलवाए, उसके लिए राज्य सरकार तैयारी करे, और जब राज्य सरकार तैयारी कर ले और केंद्र की सरकार तोले नहीं, तो हम एकजुट होकर के लड़ाई लड़े, तब राजस्थान की जनता मजबूत होगी। सभापति महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारे यहां जो पूरे प्रदेश में एक मांग उठती है, पूरे प्रदेश में मांग उठती है कि भारत में सरकारी कर्मचारी के लिए पेंशन सबसे पहले 1881 में रॉयल कमीशन की अनुशंसा पर शुरू की गई थी, भाजपा की सरकार में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की अनुशंसा पर सन 2004 में सरकारी पेंशन खत्म कर दी गई। सभापति महोदय, मेरे को बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको इन पर गुस्सा क्यों आता है, किस किस बात पर हमको इनको माफी दें। सरकारी पेंशन जो 1881 से अंग्रेजों के जमाने से शुरू हुई थी, आकर के बंद करी इन्होंने। अरे देश को समझबाग इन्होंने ये दिखाया कि हम अच्छे दिन लाएंगे, न्यू इंडिया, शाइनिंग इंडिया की बात करी, पर
और सबसे पहले जो कुठाराघात इन्होंने करा, जाति और धर्म के नाम पर समाज को बांध करके राज में आने वाले लोग 1881 से पेंशन शुरू करी, उस पेंशन को 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खत्म करा। उस पेंशन की, ओल्ड पेंशन की मांग को लेकर के आज हजारों हजार लोग, हजारों लाखों कर्मचारी सड़कों पर उतरते हैं और कह रहे हैं कि ओल्ड पेंशन मांग करो। सभापति महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र की 2004 के बाद की नियुक्त दो महिलाएं रिटायर हुई हैं, एक की पेंशन 600 रुपए और एक की पेंशन 735 रुपए हुई है। इनके सिलेंडर का भाव 1000 रुपए है। अरे घर में सिलेंडर भी नहीं ला पाएगा, बुढ़ापे में कैसे जीवन की लाठी कैसे चलाए। सभापति महोदय, ये बातें हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज हम राज्यपाल के अभिभाषण पर इसलिए इन बातों का जिक्र कर रहे हैं कि आज राज्य कमजोर हुए हैं GST के बाद। आज राज्यों के पास ये स्थिति नहीं है कि वो अपना खुला फैसला अलग से कर लें। जिस GST के खिलाफ हुआ करते थे, ये उसी GST के पक्ष में हो गए और कठोर कानून बना करके GST को लेकर के आए। ये मैं बात करना चाहता हूँ इस बात की, 1991 में जब देश के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे और इस देश में न उदारीकरण की नीति आई, तो सबसे पहले धोती फाड़ के बोले थे आडवाणी जी के नीतियां हम लाएंगे। उसके बाद जो भी सरकारें आई वो न उदारवाद की थोड़ी थोड़ी नीतियों को लागू करा, लेकिन ये जो राज में आए ये उन नीतियों को इतनी तेजी से लागू करा कि अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ी है, अमीरों की संख्या बढ़ी है लेकिन गरीब और तेजी से गरीब हुआ। ये जो फासला करने का काम करा अमीर और गरीब के बीच, ये संविधान विरोधी कदम है। सभापति महोदय, इस संविधान में समाजवादी जो शब्द है उस पर ये चौथे सभापति महोदय। समाजवाद की जब बात आती है तो इनके चिंगारी लगती है। वो चिंगारी इसलिए लगती है कि समाजवाद के विरोधी है, ये धर्म निरपेक्षता के विरोधी है, ये चाहते नहीं कि देश में सारे लोग एकजुट होकर के रहे, इसलिए बात सीधी पाकिस्तान की करते हैं। अरे 1947 में पार्टीशन हो गया था, हिंदुस्तान अलग पाकिस्तान अलग, ये शब्द शब्द पर, बात बात पर पाकिस्तान की धमकी देते हैं। जहां भी जिस भी राज्य में चुनाव आता है ये लोगों को पाकिस्तान से डराते हैं। जिस पाकिस्तान की हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों के सामने कोई औकात नहीं, कोई भी साथ नहीं, उस पाकिस्तान के नाम पर डराने का काम करते हैं। सभापति महोदय, ये जो गैलरी में आकर के, ये जो गैलरी में आकर के हमें क्या डरा देंगे, ये खुद डरे हुए लोग हैं। इनको रात को सपने आते हैं और ये सपने में चमक चमक के धरती पर नीचे पड़ जाते हैं, क्योंकि इनके पास अदानी और अंबानी के अलावा कुछ नहीं है। मैं पिछले 1.5 घंटे से ये बात सुन रहा हूँ, इनके पास कोई नारा नहीं है, कोई स्लोगन नहीं है, इनके पास कोई बात नहीं है, उल्टा तो और तो, और ये इतने अनपढ़ सभापति महोदय, ये कागज भी ढंग से नहीं पकड़ना जानते, कहीं से उल्टा पकड़ रहे हैं कहीं से उल्टा पकड़ रहे हैं, इसलिए इन लोगों को ज़्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। मैं राजस्थान की सरकार से भी कहना चाहता हूँ, इनके दबाव में आकर के तुमने रीट कैंसिल करी, इनके दबाव में आने की जरूरत नहीं थी। SOG की जांच का दायरा बढ़ाओ, SOG की जांच का दायरा बढ़ाओ, किरोड़ी मिल मीना को हर बात का कैसे पता है, इस बात का पता करो। मुझे तो शक इस बात से हो रहा कि किरोड़ी मिल कहता है कि फलाने का संपर्क है, फलाने का संपर्क है, तुम्हें कोई सपने आते रात को किरोड़ी जी, जो तुम्हें सारी बात का पता है। SOG का दायरा बढ़ाओ, और मेरी पुरजोर सदन में मांग है, संसदीय कार्य मंत्री महोदय, कोई CBI को जांच नहीं देनी, राजस्थान की संस्थाओं को मजबूत करो। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भजन हलचल न्यूज़।